हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका खास बात चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जबलपुर जिले की, जो कि मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इस जिले का बॉर्डर उत्तर में कटनी जिला, उत्तर पूर्व में उमरिया जिला, पूर्व में ढिंढोरी जिला, दक्षिण पूर्व में मंडला जिला, दक्षिण में सिवनी जिला, दक्षिण पश्चिम में नरसिंहपुर जिला और उत्तर पश्चिम में दमोह जिला है। अगर आप इसी तरह अन्य जिलों की वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अन्य जिलों की वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें। और आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जबलपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है और इसका मुख्यालय जबलपुर है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। इस नगर में उच्च न्यायालय भी स्थित है। जबलपुर में साक्षरता, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है। जबलपुर कई लेखकों, प्रकाशकों व मुद्रकों का आवास क्षेत्र रहा है। पुराणों और किंवदंतियों के अनुसार जबलपुर का संबंध जावाली ऋषि से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह यहीं निवास करते थे। 1781 के बाद ही मराठों के मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस शहर की सत्ता बढ़ी। बाद में यह सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहाँ 1864 ईस्वी में नगर पालिका का गठन हुआ था। भेराघाट, ग्वारी घाट और जबलपुर से प्राप्त जीवाश्मों से संकेत मिलता है कि यह प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण युग के मनुष्य का निवास स्थान था। मदन महल, नगर में स्थित कई ताल और गोंड राजाओं द्वारा बनवाए गए कई मंदिर इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी देते हैं। इस क्षेत्र में कई बौद्ध, हिंदू और जैन भग्नावशेष भी हैं। इस जिले का क्षेत्रफल 5211 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 24,63,000 के आसपास है। यहाँ का लिंगानुपात 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है तथा साक्षरता दर लगभग 81% है। इस जिले में 10 तहसील, 7 ब्लॉक, 36 पुलिस थाने और 1508 गांव हैं, जिनमें 1 लोकसभा और 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। यहाँ के उद्योग और व्यापार की बात करें तो यह नगर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना और एक शस्त्रागार स्थित है। यहाँ के प्रमुख उद्योगों में खाद्य प्रसंस्करण, आरा मिल और विभिन्न निर्माण शामिल है। जबलपुर रेडीमेड वस्त्र उद्योग का प्रमुख उत्पादक केंद्र बन गया है और यहाँ की फसलों में चावल, ज्वार, चना और तिलहन प्रमुख है। यहाँ पर कई शिक्षण संस्थान हैं जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम करती है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज आदि यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। यहाँ की परिवहन की बात करें तो जबलपुर सड़क और रेल द्वारा मध्य प्रदेश तथा भारत के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा दुमना हवाई अड्डा है, जो शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल मदन महल किला, कचनार सिटी शिव मंदिर, नर्मदा नदी पर बरगी बांध, धुआंधार जलप्रपात, भेराघाट आदि प्रमुख है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।